जय हिंद जय भारत। हरियाणा जीके की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज हम उसमें क्या पढ़ेंगे, हरियाणा का भौगोलिक परिचय। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत से बच्चे इस टॉपिक को देख के इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं कि क्या लगता है सारी की सारी थ्योरी है। लेकिन इस वीडियो में हम इस टॉपिक को थ्योरी की तरह नहीं समझेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जसबीर सिंह। ये बुक आपको याद रखनी है। अब आप कहेंगे बहुत सी बुकें हैं, हमें यही बुक क्यों याद रखनी है, बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन ये बुक आपके लिए याद रखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो बुक है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, इसी के अनुसार हरियाणा को 8 भागों में विभाजित किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा जो डॉक्टर जसबीर सिंह जी की बुक है, उसमें हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवालिक, तो आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन डायरेक्ट निकलता है कि जो शिवालिक पर्वत है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, वो हरियाणा के किस भाग में है, तो वो है जी हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में। अब आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उत्तर पूर्वी कौन सा हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्वी भाग में है हरियाणा के। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 900 से 2300 मीटर के बीच। इसकी सबसे ऊंची चोटी है क्रोह, क्रोह है जो ये चोटी, इसकी जो पूछी जाती है हाइट वो आपको याद रखनी है 1514 मीटर। आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, 1514 मीटर। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वो हरियाणा के किस किस जिले में है, तो आप आसानी से याद रखेंगे अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला, यही वो तीन जिले हैं जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। यह बात हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर है गिरिपाद मैदान, जहां पे शिवालिक पर्वत श्रृंखला खत्म होती है वहां से स्टार्ट होता है गिरिपाद मैदान, यमुना से घग्गर के बीच, कि यमुना से जैसे पूर्वी सीमा पे यमुना है और इस साइड घग्गर है, इनके बीच ये मैदान है गिरिपाद मैदान। ये फैला हुआ है अंबाला में, पंचकूला में, यमुनानगर में। 300 से 375 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं घर, ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नदियों के कारण इस क्षेत्र में छोटे छोटे गड्ढे पड़ गए हैं, उन गड्ढों को क्या कहते हैं, उन गड्ढों को कहते हैं चो। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है छछरौली में, छछरौली कहाँ पे पड़ता है, छछरौली पड़ता है यमुनानगर में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली को। ये बात आप जानते होंगे कि चेरापूंजी से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, चेरापूंजी क्यों फेमस है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी चेरापूंजी में, अब वर्तमान में मासिनराम में होती है, लेकिन इसका नाम पड़ा हुआ है हरियाणा का चेरापूंजी, तो आप याद रखेंगे छछरौली में। कालका जो तहसील है, जो पंचकूला जिले की कालका तहसील है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गिरिपाद मैदान की तहसील। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हरियाणा में गिरिपाद मैदान की तहसील किसको बोला जाता है, तो आप कहेंगे कालका तहसील को, कालका आती है जी पंचकूला जिले में। फिर है तीसरा जलोड़ मैदान, सबसे ज्यादा भाग है जलोड़ मैदान हरियाणा में, गिरिपाद मैदान से शुरू होकर। देखिए सबसे पहले शिवालिक पर्वत श्रृंखला, जहां शिवालिक खत्म हुई, फिर क्या होता है गिरिपाद मैदान, कुछ क्षेत्र में गिरिपाद मैदान फैला हुआ है तीन जिलों में, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, तो जहां पे ये खत्म होता है उसके बाद यहां से शुरू होकर, यानी जहां पे गिरिपाद मैदान खत्म होगा, अरावली के बीच का क्षेत्र, मतलब लगभग सारा हरियाणा ही कवर हो जाता है अपने इस जलोड़ मैदान में। इसके दो भाग होते हैं खादर और बांगर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, खादर और बांगर। देखिए जो नदियां हैं, जब उनमें बाढ़ आती है, जब उनमें पानी ज़्यादा हो जाता है, तो जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, नदियां पानी के साथ साथ मिट्टी को अपने साथ लाती हैं, और जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी जाता है उस पानी के साथ साथ मिट्टी भी जाती है, तो जिन क्षेत्रों में जल्दी जल्दी बाढ़ आती है, मतलब नई मिट्टी आती रहती है, उनको बोलते हैं खादर, यानी जो नदी के आसपास के क्षेत्र हैं उनको बोलते हैं खादर, जहां पे बाढ़ के पानी के द्वारा मिट्टी ला के जमा की गई है, नई मिट्टी, ताजी मिट्टी। और जो बांगर के मैदान है वो पुराने मैदान है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए पुराने जलोड़ मैदान, तो आप कहेंगे बांगर, नए जलोड़ मैदान तो आप कहेंगे खादर। ऐसा क्यों है, मैं आपको समझा चुका हूं, बांगर क्या है,
बांगर यानी कि जहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत पुरानी है और जो खादर है वहाँ पे बार बार नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है जब उनमें बाढ़ आती है। फिर आता है बाढ़ का मैदान। ये 8 पार्ट है, आपको ये याद रखने हैं। मेन क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। मारकंडा नदी है जो, उसके द्वारा जो बाढ़ का मैदान है उसका, जो उसको बोलते हैं बेट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जो घग्गर नदी है उसका जो बाढ़ का मैदान है उसको बोलते हैं नैली। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। मतलब अब आप इसको खुद सोचिए कि जो बालू के टिब्बे युक्त मैदान है हरियाणा में किस पार्ट में पाए जाएंगे। तो आप कहेंगे हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, मतलब यहां पे ये पाए जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस तरफ राजस्थान की सीमा हमारे हरियाणा से लगती है, ठीक है। इनका जो ये बालू के टिब्बे युक्त मैदान है, इनका निर्माण कैसे होता है? राजस्थान से आने वाली जो तेज हवाएं हैं उनके साथ रेत लाया जाता है, तो वो रेत जहाँ पे गिरता है वहाँ पे बालू के टिब्बे युक्त मैदान बनाए जाते हैं उस रेत के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? हवा जब चलती है तो वो क्या करती है, अपने साथ रेत को भी उड़ा के लाती है। ऐसा क्यों होता है? अपरदन के कारण। ये जियोग्राफी का कंसेप्ट है कि हवा से अपरदन होता है, मतलब मिट्टी का कटाव होता है और जो मिट्टी की ऊपर वाली परत होती है उसको हवा उड़ा के ले जाती है और आसपास के क्षेत्रों में वो जमा हो जाते हैं, वहां पे उनका निक्षेपण हो जाता है। फिर है जी अरावली का पथरीला मैदान। अब हम देखते हैं अरावली के पथरीले मैदान से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्षा कम होने के कारण यहां पे कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। अगर वर्षा कम होगी तो वहां पे क्या उग जाएंगी? कांटेदार झाड़ियां। यह बात आप बता सकते हैं। इसको मेवात की पहाड़ी भी कहते हैं, यह भी बात आपको याद रखनी है। सबसे ऊंची चोटी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो तो है जी गुरु शिखर। लेकिन अगर पूछा जाए अरावली की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहेंगे ढोसी की पहाड़ी, जो कहाँ पे है? नारनौल। नारनौल कहाँ पे पड़ता है? महेंद्रगढ़। तो ये बात आपको याद रखनी है। हरियाणा का एकमात्र शांत ज्वालामुखी बोला जाता है ढोसी की पहाड़ी को। अब जब इसको एकमात्र शांत ज्वालामुखी बोला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार कहाँ पे है, तो आप आंसर देंगे महेंद्रगढ़, ठीक है। फिर है तरंगित बैलू का मैदान। हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी है, आप सभी जानते हैं। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 700 से 900 फीट। याद रखिए 700 से 900 फीट, मीटर नहीं लिखा है मैंने। अब आप ये बात बताइए कमेंट में कि एक मीटर में कितने फीट होते हैं। फिर है जी अनकाई दलदल, दलदल जो सबसे लास्ट है, ये पाया जाता है सिरसा जिले में और सबसे निचला अक्षेत्र है हमारे हरियाणा का। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का सबसे निचला अक्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे अनकाई दलदल। ये कौन से जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिरसा जिले में। तो एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, जिसके लेखक डॉक्टर जसबीर सिंह जी हैं, इनके द्वारा हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ पे आपको बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।